यूपी के अंदर कई हिस्सों में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन ने कुछ जगहों पर जाने के लिए सख्त पाबंदी लगा रखी है, क्योंकि चुनाव से एक दिन पहले प्रचार थम जाता है। ऐसे में नेता फिर भी चुनाव के लिए वोट मांगने जनता के बीच जाना चाहते हैं और अधिकारियों से सड़क पर बहस हो जाती है। देखिए, कांग्रेस के पूर्व एमपी जब जनता के बीच जाना चाहते थे तो कैसे योगी के अफसर ने उनको रोक दिया। जो भाई, अरे भाई, भाजपा और विपक्षी दलों के साथ समान व्यवहार करिए। मैं टिकमापुर में, मेरे को शिकायत मिली कि साहब यहाँ दो आदमी बाहर के लेटे हैं। अरे हमने कहा चलो यहाँ लेटने से कोई वोट नहीं बदलता, लेटे रहने तो खूब खिलाओ पिलाओ। बोले दो रुके रिश्तेदार रुके। आप सांसद जी दूसरी गाड़ी मंगा लीजिए। नहीं, गाड़ी चलिए थाने चलते हैं। थाने भी आप दूसरी गाड़ी जाएगी? नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी तो जाएगी। नहीं नहीं, अब दूसरी गाड़ी से नहीं जाएगी। नहीं नहीं, तो आप बैठे, हम भी बैठे हैं। आप तुम तो चाहते ही यही हो, तो मैं तो लगाया इसीलिए गया कि राकेश जान को रोको, लेकिन उससे पंजा रुकने वाला नहीं है। इन मोदी आ जाए चाहे योगी आ जाए, उनकी हैसियत नहीं कि पंजे को रोक ले। वर्दी वालों को लगा के कहीं आप ये नहीं कर सकते हो कि इस तरह का व्यवहार करें। मैंने आज तक कोई कंप्लेन नहीं की। आप पूरी विधानसभा में सैकड़ों आदमी बाहरी लेटा है, ये मेरा सरासर आरोप है। आप यहाँ के सीईओ हैं, ये प्रेसों में देखें, आप नाकेबंदी करिए हर रोड पर और देखिए पार्टी की गाड़ियां मिलेंगी। कहाँ लगे वो देख कर रहा है? चश्मा दो तरह का लगाए हो ना, क्या गाड़ी पकड़े हो आप भाजपा की? एको गाड़ी बताओ, अरे बताओ तो आप एको गाड़ी। पार्टी नहीं देखते हैं सर। अरे भाई, एको गाड़ी सीज की हो बोलो, दो तरह के व्यवहार थोड़ी होना चाहिए। इस तरह की बात मत करिए, देखिए हट वाली बात। ये बात नहीं, नहीं ये आप हट कर रहे हैं। नहीं, ये रवि जी मैं कह रहा हूँ, आप बात करिए। अरे एसडीएम साहब कह रहे हैं कि सीओ साहब से बात करिए, मैंने नहीं कहा है। वो उनकी ड्यूटी है कि वो प्रचार बंद है, सारी गाड़ियां जितनी हैं अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। आपके लिए दूसरी गाड़ी मंगा दी जाएगी, ये गाड़ी क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें इसको सीज करेंगे। हाँ, सीज करेंगे। इससे पुरस्कार मिल जाएगा क्या? कुछ नहीं। नहीं, ये तो आप गलत बात बोल रहे हैं ना। आप, मैं आरोप लगा रहा हूँ आपके इसी सर्किल में, आप केवल अनूपपुर मोड़ पर बैरियर लगा दीजिए, थोड़ी देर में देखिए दसियों गाड़ियां मिलेंगी आप। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook के पेज को लाइक जरूर करें। जुड़े रहिए देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए News Times 24 के साथ।